हाँ तो फ्रेंड्स, हम आज हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपके साथ बात करूंगा गूगल प्ले स्टोर के बारे में। सो हेलो मिस्टर मिस्टर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिस्टर अरुण बल्खी। हाँ तो फ्रेंड्स, आप जो है प्ले स्टोर यूज करते होंगे, ठीक है, और आप जो है ऐसी एप्लीकेशन भी बहुत सी डाउनलोड करते होंगे जो कि आपसे परमिशन मांगती है आपके कॉन्टेक्ट या फिर आपके मैसेजेस का। और लेकिन आपने कभी इस चीज़ पे कभी नोटिस किए कि जो छोटी एप्लीकेशन होती है, सपोज की जैसे टॉर्च के लिए भी कुछ लोग जो है एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो टॉर्च के लिए जो एप्लीकेशन जैसे सपोज कीजिए हमने डाउनलोड की, ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद तो आप सोच के देखिए टॉर्च जो एप्लीकेशन है वो क्या चीज़ एक्सेस कर सकती है, आपके कैमरा या फिर आपके फ्लैश लाइट की जो सेटिंग्स को, ठीक है। लेकिन जो आपको अगर पूछा जाए कि आपको जो कॉन्टेक्ट है वो भी आपको अलाउ करने होंगे और आपके जो मैसेजेज है वो भी आपको अलाउ करने होंगे, वो आपके परमिशन मांगी जा रही है और आप जो है उसे बिना देखे बिना सोचे समझे उसे जो है अलाउ पे टैप करते जाते हो, तो फ्रेंड मतलब आप ये कर क्या रहे हो? आप जो है जो एप्लीकेशन आपके फोन में इनबिल्ट फीचर आ रही है इन दिनों जो है उन्हें आप डाउनलोड कर रहे हो, चलो कोई नहीं आप डाउनलोड कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप जो उन्हें ऐसी परमिशन दे रहे हो जो कि उस ऐप के लिए जो है जरूरत ही नहीं है उसको, यानी कि जो एप्लीकेशन जो है कुछ और है और आपको परमिशन जो है कुछ और मांगे जा रही है, तो फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन होती है ये आपके डेटा को जो है कुछ भी मिसयूज कर सकती है। तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन कुछ भी डाउनलोड करो तो आप उनकी परमिशन को जरूर ध्यान से देखें एक बार। परमिशन को देखने के लिए आपको करना कुछ ही है, सपोज कीजिए आपने प्ले स्टोर पर कुछ एप्लीकेशन सर्च की, उस एप्लीकेशन में जाइए और आप जैसे नीचे थोड़ा स्लाइड करोगे तो आपको दिखेगा अबाउट दिस ऐप। अबाउट दिस ऐप पे जैसे ही आप टैप करोगे तो आपके सामने इस ऐप के बारे में जो है जानकारी आ जाएगी जो आप पढ़ सकते हो, और जब आप नीचे करोगे लास्ट में आपको दिखेगा परमिशन। जब आप परमिशन पे टैप करोगे, परमिशन पे आप टैप करके देख सकते हो इस ऐप जो है कौन कौन सी जो है परमिशन चाहिए, तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये जो ऐप है मुझे चाहिए और जो है जो परमिशन मांगी जा रही है वो भी लीगल है तो आप जो उस ऐप को जो है परमिशन दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जो ऐप है कुछ और है और ये परमिशन कुछ और ही मांग रही है तो वो ऐप सही नहीं है दोस्तों, उस ऐप को जो है बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। तो फ्रेंड मैंने यह भी देखा है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि प्ले स्टोर का जो है न्यू ऐप आई है जो कि पबजी से रिलेटेड है, पबजी ने ही लॉन्च की है, या फिर जो है जो बड़े प्लेटफॉर्म है सपोज कीजिए जो व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह इन्होंने लॉन्च की है न्यू एप्लीकेशन जिससे आप जो है हजारों रुपये महीना कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप कैसे पता करोगे कि जो ऐप है सपोज कि आप सपोज कीजिए इंस्टा ने जो है न्यू एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें आपके फ्रेंड ने बोला है कि जो है 1000 रुपये महीना दे रही है, तो आप जो कैसे पता करोगे, आप इंस्टा पे जाइए, ठीक है, आप इंस्टा पे जाके आपको नीचे दिखेगा उस कंपनी का नाम या फिर उस डेवलपर का नाम जिसने ये ऐप डिज़ाइन की है, उस पर आप जैसे टैप करोगे उस कंपनी के नेम पे तो आपको जो है उस ऐप के डेवलपर या उस कंपनी ने और कौन सी ऐप बनाई है उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जो एप्लीकेशन और है वो शो हो जाएगी जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ जो ऐप आपका फ्रेंड बता रहा है वो एक ऑफिशियल ऐप है या फिर ऐसे थर्ड पार्टी ऐप है। हाँ तो फ्रेंड्स ऐसे आप जो है किसी एप्लीकेशन का जो है ऑफिशियल या फिर फ्रॉड है इसका पता लगा सकते हो। फ्रेंड्स वैसे जो है प्ले स्टोर जो है ऐसी एप्लीकेशन जो होती है जो फ्रॉड होती है या फिर जो है जो लीगल नहीं होती है उन एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर निरंतर जो है डिलीट करता रहता है, लेकिन फिर भी जो है आपको इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके जब अलाउ कर रहे हो तब आप उस चीज़ को जरूर एक बार नोटिस करें कि जो अलाउ मांगे जा रहे हैं वो लीगल है या इनलीगल है। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।